हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इसके टाइप्स। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट देखते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि अगर हमें फॉरेन करेंसी का एक यूनिट खरीदना है तो उसके लिए हम अपनी करेंसी के कितने यूनिट देने के लिए तैयार है या फिर कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है इन डोमेस्टिक करेंसी। अब हमारे पास सपोज हमने एक यूएस डॉलर खरीदना है, एक यूएस डॉलर चाहिए तो उसके लिए हमें सपोज 84 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो यही हमारा एक्सचेंज रेट बन जाएगा, $1 इज इक्वल टू रुपीज 84। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमारे पास 6 टाइप्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग। फोर्थ है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। फिफ्थ है वाइडर बैंड सिस्टम एंड सिक्स्थ है क्रॉलिंग पेग सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर जो है गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट तय करती है, और जब गवर्नमेंट ये एक्सचेंज रेट तय करती है तो उसका मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो फॉरेन ट्रेड है या कैपिटल मूवमेंट है उनमें स्टेबिलिटी पाई जाए, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। और जब भी कोई कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करती है इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी या इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो उसको पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के दो वेरियंट्स थे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा था ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब आता है सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है ये 1920 से पहले पाया जाता था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर कंट्री जो है अपनी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो मेंटेन करती है बाई फिक्सिंग देयर प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और जो इस सिस्टम के अंडर जो है वो गोल्ड जो था वो कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी लिया जाता है बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन। ईच कंट्री हैड टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वॉज फिक्स्ड कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। नेक्स्ट आता है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो आया था वो रिप्लेस करके आया था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को। और इस सिस्टम के अंडर हर कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू जो है उसको कंपेयर करती है यूएस डॉलर के साथ, तभी एक्सचेंज रेट तय होता है। मतलब हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर जो है वो तय की जाती है कि कितना एक्सचेंज रेट बनेगा। और यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड के साथ तय की जाती है, मतलब यूएस डॉलर को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, गोल्ड के साथ। इस सिस्टम से ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है वो जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ब्रेटन वुड सिस्टम में जो करेंसीज की वैल्यू को पेग किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, डॉलर के साथ, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड में करेंसीज आर पेग टू गोल्ड। सेकेंड हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे तय किया जाता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मतलब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं फॉरेन मार्केट में, वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट तय हो जाता है। इस सिस्टम के अंडर वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब हम देखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज किस पर्पज से की जाती है, मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड किस किस पर्पज से करेंगे हम। अगर हमने इंटरनेशनल जो लोन्स हैं वो लिए, उनकी पेमेंट करनी है, उसके लिए हम इंटरनेशनल जो करेंसी है उसकी डिमांड करेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरेन में उसके लिए, या फिर फॉरेन से इंपोर्ट करनी है चीज़ें उसके लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, या फिर हमने स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर सकते हैं। उसी तरह से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी कहाँ कहाँ से आएगी हमारे पास। अगर एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज का टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वहाँ से फॉरेन करेंसी आएगी, या फॉरेनर जो है हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से फॉरेन करेंसी आएगी, या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑल्सो कम्स थ्रू फ्रॉम दोज हु वॉन्ट टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमारे पास डिमांड कर्व जो है फॉरेन करेंसी का वो किस तरह से होता है, डिमांड कर्व जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वैसे ही यहाँ पे फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोप। इसी तरह से सप्लाई कर्व किस तरह से होगा, सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव स्लोप जैसे नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है वैसे ही हमारा फॉरेन करेंसी के लिए जो है ये रहेगा सप्लाई कर्व। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर जो है वो एक्सचेंज रेट
तय कहाँ पे होता है? हमने ये कहा कि ये तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का और ये है सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो रही है, तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो तय हो जाएगा अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट तो मार्केट फोर्सेस के द्वारा, मतलब जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर जो है हमारा एक्सचेंज रेट तय किया जाता है और उसके बाद सेंट्रल बैंक उसमें इंटरफेयर करके उस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम जो है वो एक मिक्सचर है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक जो है इंटरफेयर करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, किस लिए? टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट्स। और ये करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, मेंटेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टे विद इन द टारगेटेड वैल्यू। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम को हम डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एडजस्टेबल पेग सिस्टम में मेंबर कंट्रीज जो होती हैं फिक्स करती हैं एक्सचेंज रेट को अगेंस्ट वन करेंसी, और ये एक्सचेंज रेट जो तय किया जाता है वो फिक्स किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को लोअर रेट पे तय करती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है, एंड इफ इट इज रीपेग्ड एट हायर रेट और हायर रेट पे तय किया जाता है तो उसको रिवैल्यूएशन कहा जाता है। उसके बाद आता है वाइडर बैंड सिस्टम। वाइडर बैंड सिस्टम में जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं जब भी वो एक्सचेंज रेट तय करती हैं तो उसमें जो है उनको 10% की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लक्चुएशंस की परमिशन दे दी जाती है कि अपने एक्सचेंज रेट में 10% तक वो ऊपर या नीचे जो है वो रेट को तय कर सकती हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो जो भी मेंबर कंट्री जब एक्सचेंज रेट तय करती है तो 10% तक वो अपने रेट में 10% ऊपर या 10% रेट नीचे तक एडजस्टमेंट कर सकती है। सो अ मेंबर कंट्री इज फ्री टू डिवैल्यू और रीवैल्यू इट्स करेंसी बाय 10% टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी कंट्री में डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू को 10% से डेप्रिशिएट कर देगी, और जब करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट होगी तो उसकी जो है एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉलिंग पेग सिस्टम। अब लास्ट आता है हमारे पास क्रॉलिंग पेग सिस्टम। क्रॉलिंग पेग सिस्टम जो है मिडवे बिटवीन डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम एंड एडजस्टेबल पेग सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर जब भी कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को स्पेसिफाई करती है या एक्सचेंज रेट तय करती है तो उसमें स्मॉल वेरिएशन जो है वो अलाउ कर दिए जाते हैं। द पैरिटी रेट इज एडजस्टेड रेगुलरली एज रिक्वायर्ड बाई द इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ द कंट्री, चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड चेंजेस इन द प्राइसेस।